डिजाइन है वो है ही ऐसा कि पेपर को आसान बनाना। भाई एक बात बताओ, पहले आराम से बच्चे को कंसेप्ट बता दिया, एक एक चीज नोट में लिखवा दी, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल्स करवा दिए, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारी लगेगा कैसे? फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, स्टडी मटेरियल कवर है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि वो कंटेंट देखता है ना, जब स्टडी मॉड्यूल देखता है, आरटीपी देखता है, एमटीपी देखता है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखता है, तो उसको लगता है मेरे को सब कुछ किया हुआ है मैंने। और पास्ट ईयर क्वेश्चन सेपरेट करने से बच्चे को ये भी पता चल जाता है कि भाई एग्जाम में आखिर आता क्या है, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, तो पेपर तो आसान लगेगा ही। तो पढ़ाने का पैटर्न ऐसा है कि आसान लगे। तो उस टाइम क्या होता था, मैं बोलता था कि भाई ये टफ है ध्यान दो, क्योंकि मुझे लगता था बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे बातें बातें कर रहे हैं। मैं बोलता था ध्यान दो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दो इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ठीक है जी, अब वो बच्चा मेरे पास आया कि सर मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं बोला हाँ बेटा बता क्या रिक्वेस्ट है, बच्चे बोल। तो वो बोला कि सर आपने पता है जैसे कुछ करवाते हो ना तो आप बोलते हो कि इम्पोर्टेंट है ध्यान दो, ये टफ है। तो बोले कि सर आप जैसे ही बोलते हो ना टफ है, मैं तो डर जाता हूँ और मेरी हवा खराब हो जाती है अंदर से, और फिर मेरा ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता, क्योंकि मुझको लगता है बहुत भारी अब जो होने वाला है, मेरी समझ में ही नहीं आएगा। तो बोला अच्छा बेटा ऐसी बात है क्या? फिर मुझे लगा कि हाँ भाई साइकोलॉजिकली ये बात तो है कि अगर किसी को बताया जाए, जैसे मैं आपको कहूँ कि फाइनल बहुत टफ है, तो आप लोग फाइनल में पहले ही घबरा जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ नहीं है, पहले भी बहुत लोगों ने करा हुआ है, बहुत आसान है, आप भी मजे में कर लोगे, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, आप उठ जाते हो। मैं आपसे कहूँ कि आप एक किसी से लड़ने वाले हो, और मैं आपके कान में आके कहूँ कि जिससे लड़ने वाले हो ना, तो वो पटक पटक के मारेगा, बहुत दमदार है, एक उसने थप्पड़ भी रख दिया ना तो फिर उठोगे नहीं, तो आप रिंग में जाने से पहले ही डर जाओगे। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, अरे बेकार है, दिखने में तो लंबा चौड़ा है, पर उसको अगर तुमने एक थप्पड़ मार दिया तो वो बेहोश हो जाएगा, तो तुम क्या सोचोगे? पहुंच के अभी बताते हैं इसको, अब हमें पता है कि कमजोर है, तो सामने से दिख भी रहा हो हट्टा कट्टा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बेकार है, इसके बस की कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है सर बताई जाते हैं इसको। तो एक साइकोलॉजिकल गेम है कि अगर आप ये सोच के चलेंगे चीजें आसान है, हम कर सकते हैं, तो वो आसान बन जाती है। तो फिर मैंने क्या किया उस बैच में, मैंने बैच में बोलना चालू कर दिया कि भाई ये पेपर बहुत आसान, मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बड़ा सिंपल है, ऐसे ही करवा दे। लिटरली बच्चों का फीडबैक आया कि सर हमें सच में आसान लगने लग गया और पेपर बहुत आसान लगा हमें। तो मैं आपको बता दूं, अब जैसे मैं बोलता हूं ना कि पेपर आसान है, मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूं कि आसान लगे, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और सच में पेपर आसान लगने लग जाता है। बाकी पेपरों से आपको अभी तक एफएम आसान लग रहा होगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक ये बात साइकोलॉजिकली दिमाग में जाती है।